हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वालेकुम, ए न्यूज के साथ मैं हूं अलिश्पा परवेज। मुलाहिजा कीजिए सबसे पहले हेडलाइंस। जो बात इमरान खान और आसिफ जरदारी कह रहे हैं, बदकिस्मती से वही बात चीफ जस्टिस साहब के मुंह से भी निकल रही है। मुस्लिम लीग नून को बंद गली में फंसाने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी निसार की तबीयत खराब है, क्या अयादत के लिए जाएंगे? सहाफी के सवाल के जवाब में मियां नवाज शरीफ ने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। साहिबजादी मरियम नवाज ने नैब रेफरेंसेस की समाप्त को बराह रास्त नशर करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर आज लीगी रहनुमाओं का जमे गफीर। आसिफ किरमानी भी तवील अरसे बाद नजर आए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि शफाफ इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नून को बारिश की तरह वोट मिलेंगे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। तहरीक इल्तवा में मुतालबा किया गया है कि इस स्कीम पर ऐवान में बहस कराई जाए। एक एक करके एमक्यूएम की विकटें गिरने लगी। डूबती नाव को छोड़कर मुत्तहिदा के मजीद दो अराकीन सिंध असेंबली पाक सरजमीन पार्टी में शामिल। सलीम बंदानी और समीता अफजाल आज दिन 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी शमूलियत का ऐलान करेंगे। और सेनेट इंतखाबात के बाद ऐवाने बाला का पहला इजलास आज होगा। चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि कुछ रोज कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशियल मार्शल लॉ के खिलाफ बयान दिया, लेकिन मौजूदा हालात उनके बयान की नफी करते हैं। एहतसाब अदालत के